नमस्कार दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में पहले तो आया मोहम्मद शमी का तूफान और फिर उसके बाद आया बैटिंग में रोहित शर्मा का तूफान। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम के पर खज्जे उड़ाए। तो क्या है दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आते ही न्यूजीलैंड की टीम के विकेट गिरा दिए। मोहम्मद शमी ने आते ही अपने पहले ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका दिया और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा झटका दिया और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह फंस चुकी थी और भारत ने केवल 15 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की टीम के 5 विकेट गिरा दिए और मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में भारत ने केवल 108 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया और भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और वहीं हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिला और वहीं 109 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत भी इस मुकाबले में बेहद ताबड़तोड़ रही और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते ही न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों को धोना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में अर्धशतक ठोक दिया और भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में आसानी से हरा दिया और भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ वनडे सीरीज आज जीत चुकी है और अब भारतीय टीम आखिरी वनडे मुकाबला 24 जनवरी को खेलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।